आज की इस बुक में हम ब्रेन रूल्स बाय जॉन मिडियन की बुक समरी में हम मस्तिष्क के काम करने के 12 तरीकों को जानेंगे। इन्हें जॉन मिडियन ने अपनी बुक में ब्रेन रूल्स का नाम दिया है, जिन्हें फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग हो, इवन टीचर, ये 12 तरीके अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली लाइफ में आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। रूल नंबर 1, हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ है। जब भी बात एवोल्यूशन की आती है तो हम केवल बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, परंतु सच तो यह है कि ब्रेन की एवोल्यूशन भी बॉडी जितनी इंपॉर्टेंट है। हमारा मस्तिष्क समय के साथ उभरती हुई नई समस्याओं को हल करने के लिए विकसित हुआ है। मस्तिष्क की एवोल्यूशन ने ही हमें लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाया है। यदि हम दूसरों को ना समझते तो एक समाज नहीं बनता और हम कभी भी धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन पाते। नंबर 2, एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को ब्लड मिलता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ये ना केवल ब्रेन को एनर्जी देता है, बल्कि ये टॉक्सिक यानी कि विषैले इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर निकालते हैं। इससे हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को न्यूट्रॉन्स से संपर्क बनाए रखने में भी सहायता होती है। व्यायाम आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के सभी ऊतकों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, और जैसे जैसे आपका रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आपका शरीर भी नई रक्त वाहिकाओं का उत्पादन करना शुरू कर देता है। इससे रक्त को अपना काम जैसे कि विटामिन्स और खनिज को इधर उधर ले जाने और गंदगी से छुटकारा पाने में आसानी होती है। एवोल्यूशन भी इस बात का उदाहरण देती है कि हमारे पूर्वज व्यायाम करते थे। मान के चलते हैं कि होमो सेपियंस भोजन की खोज में प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर तक चला करते होंगे। इसका अर्थ ये है कि व्यायाम के निरंतर अभ्यास से ही हमारा दिमाग विकसित हुआ है। रूल नंबर 3, अच्छी नींद अच्छा जीवन। हर व्यक्ति का एक नेचुरल स्लीप साइकिल होता है, जिसे फॉलो करने पर आप बेहतर सोचते और महसूस करते हैं। आखिर नींद करती क्या है जो इसे इतना आवश्यक बनाता है? सीधे शब्दों में कहें तो नींद हमारे दिमाग और हमारे शरीर को आराम देती है, जिससे वो नए से हो जाते हैं। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपके फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग वक्त के साथ डैमेज होता है। ऑथर का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है, वो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और नैप्स लेना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव ब्रेन के लिए। इसीलिए अपना ख्याल रखिए और पर्याप्त नींद लीजिए। ये आपके मस्तिष्क को बेहतर ढंग से कार्य करने में अवश्य लाभदायक होगा। रूल नंबर 4, तनाव आपको दुर्बल बनाता है। तनाव आपको दुर्बल करता है, इससे आपकी सोच एवं याददाश्त खराब होती है। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन में तनाव को कम से कम करने का प्रयास करिए। आपने शायद फाइट और फाइट रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया के बारे में सुना होगा। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हम इस रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं। आमतौर पर ये रिएक्शन हमें खतरे से दूर रहने में मदद करती है। दरअसल तनाव हमें अपनी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। ये पुराने समय में हमारे जीवन को बचाने में काफी सहायक था, लेकिन अधिक तनाव यानी कि क्रॉनिक स्ट्रेस हानिकारक है। जब आप तनाव महसूस करने के आदी हो जाते हैं तो आप अक्सर नियंत्रण की भावना खो देते हैं और समस्याओं के सामने खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। तनावपूर्ण व्यक्ति का दिमाग किसी भी तरह का कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारा मस्तिष्क खतरों का अनुभव करने के लिए तैयार रहता था। हम आज भी छोटे संकटों को कभी कभी बड़ा समझने लगते हैं। साइंस की भाषा में इसे केव मैन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि हम प्राचीन हार्डवेयर पर आधुनिक सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा दिमाग लगातार छोटे खतरों को बड़ा करके देखता है, और इसी डर से हम अक्सर अच्छे अवसर भी खो देते हैं। रूल नंबर 5, सबके दिमाग के तार अलग अलग तरह से जुड़े हैं। हर एक इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग होता है और ये हालात और समय के साथ बदलता रहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे हालात, पर्यावरण और हमारा समय कभी भी एक समान नहीं होता है। इसी कारण हमारे मस्तिष्क की संरचना में भी परिवर्तन होता रहता है। मस्तिष्क में बदलाव की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है।
इसीलिए हर कोई व्यक्ति एक अनोखे मस्तिष्क के साथ पैदा होता है। ये अनोखे मस्तिष्क हर जानकारी को अनूठे तरीके से स्टोर करते हैं। आपके जीवन में आप क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, वो शारीरिक रूप से मस्तिष्क को बदल देता है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपने अनूठे तरीके से विकसित होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि IQ टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं, परंतु अब भी कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जिसे कोई IQ टेस्ट परख ही नहीं सकता है। रूल नंबर 6, हमारा मस्तिष्क बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। हमारा दिमाग नई उत्तेजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार रहता है। टीवी, फिल्में, वीडियो गेम और इंटरनेट जैसे माध्यमों को ही देख लीजिए, ये लगातार बदल रहे हैं। हर नए सेकंड में ध्यान देने के लिए नई चीजें सामने आ जाती हैं और यही कारण है कि उन पर ध्यान देने से समय बर्बाद करना इतना आसान हो गया है। दूसरी तरफ, क्या आपने कभी मेडिटेशन करने की कोशिश की है? क्या आप बस यूं ही कुछ मिनटों के लिए एक खाली कमरे में बैठते हैं? अगर आप ऐसा करें तो आपको महसूस होगा कि ऐसा करने पर कुछ मिनटों या सेकंड्स में आप एंग्शियस हो जाते हैं और आपका दिमाग कुछ नया खोजना शुरू कर देता है। यदि आपका काम लोगों की अटेंशन और समय बटोरने से चलता है तो समझ लें कि मानव मन को नवीनता की कितनी आवश्यकता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उनका ध्यान खींचने के लिए हर 10 मिनट या उससे कम समय में एक नया विचार पेश करें। नंबर 7, याद रखने के लिए दोहराएं। हम सब कुछ जानकर पैदा नहीं होते हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हम या तो अनुभव या शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए कोई रिकॉर्ड बटन नहीं है जिसे कभी भी दबाया जा सके। हाँ, कुछ लोग बहुत ही असाधारण मस्तिष्क और मेमोरी के साथ पैदा होते हैं, पर जैसा हमने कहा कि सबके दिमाग के तार अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति चीजों को अच्छे से याद रख सकता है यदि वो उस बात के साथ जुड़े माहौल को याद रखे। कौन सी बात किस जगह सुनी थी अगर ये याद रहे तो बात क्या थी ये भी आसानी से याद रहता है। हमारा दिमाग हमें केवल वास्तविकता का एक अनुमानित दृश्य देता है क्योंकि वो नई यादों को अतीत की यादों के साथ मिलाकर उन्हें एक साथ स्टोर करता है। दीर्घकालिक स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को अधिक विश्वसनीय बनाने का एक तरीका ये है कि नई जानकारी को धीरे धीरे मस्तिष्क में शामिल करें। रूल नंबर 8, एक साथ अधिक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करें। हम अपनी सेंसेस यानी कि इंद्रियों के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। यही सेंसेस फिर उस जानकारी को विद्युत संकेत में बदलकर उन सिग्नल्स को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती हैं। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद इंद्रियां नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़ कर देखती हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति हर हालत में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हमारी हर इंद्री एक साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे देखना और सोचना, सूंघना और खाना आदि। इस बात का अर्थ यह है कि ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करने से हमारे मस्तिष्क का ज्यादा बेहतर प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप कुछ पढ़कर याद करने का प्रयत्न करते हैं तो कोशिश करें कि उसे ना केवल देखें बल्कि पढ़ें, बोलें और सोचें भी। रूल नंबर 9, दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों से बेहतर है। हमारी दृष्टि सबसे बेहतर इंद्री है। जब भी हम अपने विजन का प्रयोग करते हैं तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिवेट होता है। विजुअल एनालिसिस हम कई चरणों में करते हैं। रेटिना फोटॉन्स को इकट्ठा करके एक जानकारी से भरी फिल्म बनाता है। विजुअल कॉर्टेक्स में ये जानकारी गति अथवा रंग के अनुसार रिकॉर्ड होती है। अंत में हम उस जानकारी को पुनः संयोजित करते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे सके। परंतु ये भी सच है कि हम जो भी देखते हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो। कभी कभी हमारा ब्रेन हमें कुछ सामने हो रही चीजें नहीं दिखाता है और कभी कभी जो ना हो रहा हो वो भी दिखाता है, पर ऐसा बहुत असाधारण अवसरों पर ही होता है। ज्यादातर जो चीजें हमें नजर आती हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। इसलिए अगर आप भी अपने मस्तिष्क की याद रखने की शक्ति बढ़ाने चाहते हैं तो चीजों को सिर्फ सुनना नहीं देखना भी शुरू करिए। रूल नंबर 10, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए अध्ययन करें और सुने। औपचारिक संगीत में प्रशिक्षण से कई कॉग्निटिव डोमेन्स के इंटेलेक्चुअल स्किल्स में सुधार होता है। संगीत प्रशिक्षण वाले लोग बातों में भावनात्मक जानकारी का बेहतर तरीके से पता लगाने में सक्षम होते हैं। संगीत सीखने वाले बच्चों और नौजवानों में अपने हम उम्र लोगों से बेहतरीन सोशल स्किल्स पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, जो लोग संगीत सुनते या गाते हैं उनका स्वभाव भी बहुत सहज होता है। संगीत से मन शांत रहता है। दुनिया में अनेक प्रकार के संगीत हैं जो मस्तिष्क पर अलग अलग तरह का असर करते हैं। कुछ साउंड वेव्स
फोकस करने में मदद करते हैं, जिनसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। रूल नंबर 11, आदमी और औरत का मस्तिष्क एकदम अलग होता है। जी हाँ, आदमी और औरत के केवल फिजिकल फीचर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क में भी बहुत अंतर है, और इस अंतर का मुख्य कारण दोनों में पाए जाने वाले अलग क्रोमोसोम्स का है। एक महिला का मस्तिष्क बहुत जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उनके सेल्स में माता और पिता दोनों के एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं लड़कों में एक्स क्रोमोसोम्स केवल माँ से आते हैं और वाई क्रोमोसोम्स पिता से। इन वाई क्रोमोसोम से बहुत कम जीन्स आते हैं, तभी लड़कों का मस्तिष्क एटम उलझा हुआ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आपने महसूस भी किया होगा कि हर परिस्थिति में आदमी और औरत का इमोशनल रिस्पॉन्स भी अलग होता है। इसका मुख्य कारण भी मस्तिष्क का अंतर ही है। रूल नंबर 12, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम खोज करने के आदी हैं। बच्चे इस बात का सबसे बेहतर उदाहरण है, जो बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे सीखता है। हम अपने पर्यावरण के सक्रिय परीक्षण के माध्यम से उसके अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष के माध्यम से सीखते हैं। हमें आदत है नई चीजें खोजने की, उसके बारे में जानने की। जो हमारे दिमाग की समझ से बाहर होता है वो उसे रास नहीं आता, इसीलिए वो निरंतर खोज करता रहता है। इसी खोज का फल है कि आज मानव जाति पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।